नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्रेंड्स इवन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं एचके इंटरनेशनल सीरीज का फाइनल मैच है, जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा हांगकांग वर्सेस कुवैत टीम्स के बीच। डिप्लेयर्स करेंगे इस वीडियो में फुल स्टेप इन्फो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा, साथ में आप देखेंगे प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस और इस मैच का हमारा टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैच की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपने जल्दी से आगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक और ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंसी बिन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 21,300 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मैंने हमसे कुछ फेक चैनल भी लोगों ने बना रखे हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और रीजन नेम @realfwp देख के 21,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है मिशन रोड ग्राउंड हांगकांग के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैच की पिच की, तो दोस्तों अभी तक इस सीरीज के जो भी मैच इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, ओवरऑल विकेट बैलेंस देखने को मिला। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, बहुत ज्यादा स्कोर मुकाबले यहाँ पे होते नहीं है। इस ग्राउंड पर इस सीरीज से पहले जो 4 मैच खेले गए थे, बैटिंग फर्स्ट ने 3 जीते थे, बैटिंग सेकंड ने 1 जीता था। फर्स्ट इनिंग का दोस्तों इस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है 243 रन का है, और स्कोरिंग पैटर्न भी चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों आप 240 से 260 के रेंज में स्कोरिंग देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक टीम ज्यादा मजबूत है, स्पेशली हांगकांग की टीम। ये ग्रुप स्टेज में, लीग स्टेज में जब एक मैच इनका कुवैत से हुआ था, एक मैच इनका मलेशिया से हुआ था, दोनों को हांगकांग ने हराया हुआ है और दोनों को वन साइडेड हराया है। तो हांगकांग के ग्राउंड पे भी मैच हो रहा है, हांगकांग की टीम ऑन द पेपर मौजूद भी है, तो अपन इन्हें के पेपर में टीम बनानी है। कुवैत की जो टीम है दोस्तों, हांगकांग से जो अपना मैच हार गई थी, और इन्होंने हालांकि मलेशिया को हरा दिया था, लेकिन देखा जाए मलेशिया ने मतलब काफ़ी कमजोर अपना प्लेइंग 11 खिलाया था, इस वजह से कुवैत की टीम उनको हरा पाई। ऑन द पेपर देखेंगे तो ज़्यादा ही मजबूत है यहाँ पे हांगकांग की जो टीम, तो उन्हीं के फेवर में टीम बनाइएगा। स्टार्ट करते हैं, इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे निजाकत खान, उनके साथ ओपन करने आएंगे अंशुमन राय, दोनों ही तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं। निजाकत कुछ ओवर की बॉलिंग भी कर जाते हैं, लास्ट गेम में 5 ओवर डाले, विकेट रेट 111 किए थे, उसके पहले वाले गेम में 1 रन किया था। अच्छे बल्लेबाज अपनी टीम में जरूर रखेगा, जेल में CBC कर सकते हैं। और इनके साथ ओपन करने आएंगे अंशुमन राय, जो कि लास्ट गेम में 130 की, उसके पहले 63 की, दोनों मैच में अच्छी इनिंग खेले हुए हैं। कैप्टन के अच्छे ऑप्शन नहीं, क्योंकि इस सीरीज से पहले भी इनका फॉर्म कड़क था। इस सीरीज से पहले जो लास्ट के 3 मैच खेलते हैं वहाँ पर 49, 57 और 21 के स्कोर थे, तो अच्छे फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, टेक्निकली सॉलिड है, तो कैप्टन वर्स कैप्टन का भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाबर हयात की बात करें, यहाँ पे वनडे के अंदर अच्छे फॉर्म में दिखे, लास्ट गेम में 38 रन की, 1 विकेट निकाला, 3 ओवर डाल के, उसके पहले 55 रन किए थे, लेकिन बॉलिंग से उम्मीद नहीं करिएगा, बॉलिंग नहीं करते ज़्यादा, कभी कभार बतौर पार्ट टाइमर बॉलिंग कर जाते हैं, लेकिन एज ए बल्लेबाज खेलेंगे और काफ़ी तगड़ी हिटिंग करते हैं। तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, जैसे ही रन बनाने आएंगे तो इनका स्ट्राइक रेट एकदम आसमान को छुएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। किंचित साहब बैटिंग करेंगे 2 डाउन, कुछ ओवर की बॉलिंग करेंगे, लास्ट गेम में कुछ ज़्यादा ओवर कर गए थे, 8 ओवर डाल गए थे, लेकिन आमतौर पर 4-5 ओवर डालते हैं, उसके पहले वाले गेम में 1 ओवर डाला था। बैटिंग से दोनों गेम में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, मतलब 5-7 ओवर बॉलिंग देख सकते हैं, प्लस बैटिंग भी करेंगे 2 डाउन, तो एज अ प्लेयर रख लीजिए, मतलब कुछ बॉलिंग से कुछ बैटिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट मिला के ठीक ठाक पॉइंट दे जाएंगे, तो एज अ प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो। लास्ट गेम इन्होंने आदित्य गोराबाराव खिलाया था, जिन्होंने 12 रन किए, हालांकि बतौर बल्लेबाज खेले थे, विकेट कीपिंग इन्होंने नहीं कराई थी, विकेट कीपिंग इस टीम के लिए स्कॉट मैकेनी ने करी थी, लेकिन दोनों ही एवरेज हैं, सामने वाली टीम के कीपर ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। यासिर मुर्तजा मस्ट हैव पिक, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स, लास्ट गेम में 10 ओवर पूरे डाले, 1 विकेट निकाला, 1 रन बैटिंग से है, उसके पहले 2 ओवर डाला था, पता नहीं क्या इशू हुआ था कि इनसे 2 ओवर कराया गया, लेकिन आमतौर पर ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, अच्छे लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स हैं। इस तरह से पहले जो लास्ट के 5 गेम थे, 45 रन 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 23 रन 1 विकेट, 29 रन 0 विकेट, हर मैच में इनका बॉलिंग था, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। जो लोग रिस्क लेना चाहें CBC बना सकते हैं, क्योंकि नंबर 6 पे बैटिंग करने आते हैं, भले ही 2 मैच में बैटिंग से उतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन बैटिंग से आप देख सकते हैं कभी भी 30-40 कर सकते हैं, इतनी क्षमता इनके पास रहती है, और साथ में बॉलिंग भी 8 से 10 ओवर कंफर्म डालेंगे, तो कैप्टनसी के अच्छे ऑप्शन है। हारून अरशद भी ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हैं, स्मॉल लीग में एज ए प्लेयर ही रखिएगा, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बॉलिंग से कभी, ये पेस बॉलर है, कभी कभार इनके बॉलिंग से ओवर कट जाते हैं, लेकिन इनको स्मॉल लीग टीम में तब रखना जब इनकी टीम पहले बैटिंग करे, क्योंकि उस कंडीशन में बैटिंग से रन भी बनाएंगे। देखिए पहले मैच में 32 रन कर गए थे, तो ये टीम पहले बैटिंग करे तो आप ट्राई कर लीजिएगा, यदि इस टीम को पहले बॉलिंग आता है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में हो सकता है इतना ही बैटिंग ही ना आए, तो लॉजिकली आप इनको ट्राई करिएगा, नहीं तो ग्रैंड लीग ट्राई करें। स्कॉट मैकेनी मुझे कुछ खास लगे नहीं, आप छोड़ सकते हो। नसरुल्ला राणा ने लास्ट गेम में 4 ओवर डाले, उसके पहले 5 ओवर डाले थे, हालांकि 3 विकेट जरूर पहले गेम में मिले थे, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा GL ही ट्राई करें, क्योंकि 4-5 ओवर ही डालेंगे। बात करें दोस्तों एहसान खान की, जो ऑफ ब्रेक बॉलर है, और ये लगभग आपको 8-9 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, लास्ट गेम में 3 विकेट, पहले गेम में विकेट लेस थे, 33 रन बैटिंग से किए, तो थोड़ा बहुत बल्ला भी चला सकते हैं, CBC जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्पिनर होने के बावजूद भी डेथ में बॉलिंग करते हैं। इस सीरीज से पहले कड़क फॉर्म था, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। आयुष शुक्ला तो अच्छा कर ही रहे हैं, डोमेस्टिक में अच्छा करके आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छा कर रहे हैं,
और दो गेम खेले हैं, टोटल 5 विकेट ले चुके हैं। शुरुआत में नई बॉल से अच्छे खासे 3-4 ओवर शुरू में ही डाल देते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जरूर ट्राई करिएगा, मस्ट है पिक। तो सेम प्लेइंग 11 के साथ कुवैत की टीम जा सकती है, जो कि इनका लास्ट मैच में था, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही देखने को मिलेगा। दोस्तों इस मैच की जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है, बात कर लेते हैं हम कुवैत की, लेकिन उससे पहले बता दूं जो आपको फाइनल टीम मिलेगा, फाइनल अपडेट मिलेगा इस मैच का, वो टेलीग्राम पर मिलेगा मॉर्निंग में। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना बिल्कुल फ्री है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी दोस्तों वहाँ पे 21,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, 21,300 के आसपास लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप क्यों देर कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, तुरंत जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। अब बात करते हैं दोस्तों कुवैत की टीम की तरफ से, आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे उस्मान पटेल घानी, इनका पूरा नाम है। और देखा जाए लास्ट गेम खेले थे वहाँ पे ओपन किया बतौर विकेट कीपर खेले थे, ओपन भी करते हैं, लेकिन यदि उस्मान घानी नहीं खेलते तो फिर मीत भाव सर इस टीम के लिए कीपिंग करते हैं। और देखा जाए तो उतने कुछ खास मुझे पिक लगे नहीं, क्योंकि लास्ट गेम में ही 19 रन किया, इस तरह से पहले जो कुछ 4 मैच खेले थे वहाँ भी उतना कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। और कन्फर्म ओपन नहीं करते क्योंकि जो टीम के रेगुलर ओपनर है वह रविजा संद्रोन और यहाँ से मीत भावसर, लेकिन लास्ट मैच मीत भावसर को टीम ने नंबर 3 खिलाया था और टीम ने इनसे ओपन करा दिया था घानी से। रविजा संद्रोन तो कन्फर्म ओपन करेंगे, और जो 2 गेम खेले हैं 8-2 का स्कोर किया, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। इस सीरीज से पहले जो 4 मैच थे 2-30+ के स्कोर थे, 25-30 कभी भी कर सकते हैं, हीटर काफ़ी अच्छे हैं। वन नाउ बैटिंग कर तो देखेंगे मीत भावसर, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 9-30 किया था, उसके पहले 10 किया था। इस सीरीज पहले जो आखिरी के 4 गेम थे 25-15-0 और 67 के स्कोर थे, तो अच्छे बल्लेबाज हैं, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, स्पेशली यदि विकेट कीपिंग कर जाते हैं तो फिर और ही अच्छे हो जाएंगे। मोहम्मद अमीन की बात करें, लास्ट गेम में 37 रन 8 ओवर, उसके पहले 18 रन है। इस सीरीज से पहले जो लास्ट के 4 गेम थे वहाँ पे 18-1 विकेट 32-0 और 5 का स्कोर है, तो देखा जाए 2 मैच में बॉलिंग भी कराई थी इस सीरीज से पहले जो लास्ट के 4 गेम खेलते, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग नहीं मिल रहा, तो बतौर बल्लेबाज खेलेंगे तो मेरे हिसाब से सिर्फ ग्रांडली ही ट्राई करें। असलम नौफर अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, राइट हैंड बैट्समैन एंड लेफ्ट आउटर्स बॉलिंग करेंगे। लास्ट गेम में 5 ओवर डाल के 3 विकेट निकालते, उसके पहले 10 ओवर 1 विकेट। लास्ट गेम में क्यों 5 ओवर डालते, क्योंकि दोस्तों इनका जो लास्ट मैच हुआ था मलेशिया से हुआ था, और मलेशिया को इन्होंने 2800 ही समेट दिया था, मतलब 50 ओवर के गेम में 2800 सामने वाली टीम ऑल आउट हो रही, तो फिर जाहिर सी बात है बॉलर्स कम ओवर तो डालेंगे ही, इसलिए नौफर ने 5 ओवर डाल के 3 निकाल लिए थे। यहाँ पे सिराज खान को तो 1 भी ओवर नहीं मिला था 28 शुरू के, क्योंकि मिडिल ओवर में बॉलिंग करते हैं सिराज खान, तो मतलब 28 ओवर आते थे सामने वाली टीम पूरी ऑल आउट हो गई, तो सिराज खान को बॉलिंग नहीं मिली, लेकिन यदि पूरा गेम होता तो सिराज खान से आप 5-6 ओवर जरूर देखते, जैसे कि पहले मैच में आप देख सकते हैं, प्लस बैटिंग बैकअप भी रहता है और फॉर्म भी इस सीरीज से पहले बैटिंग से इनका अच्छा था। वहीं दोस्तों विलाड़ता है तो अच्छी हीटिंग कर सकते हैं, लेकिन लास्ट मैच में नौमत ही नहीं आई, लेकिन यदि इनकी टीम पहले बैटिंग करे तो आप ट्राई कर सकते हो, सेकंड बैटिंग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यदि जरूरत आ गई तो फिर हीटिंग भी कर सकते हैं, पहले गेम में 87 रन उन्होंने किया भी है। नीचे देखें दोस्तों साइद मोनी भी थोड़ा हिटिंग कर सकते हैं, पूरा गेम होगा तो 10 ओवर डालेंगे नहीं, 5-7 ओवर जरूर डालेंगे। दोनों मैच में 1-1 विकेट निकाला हुआ है, इस सीरीज से पहले भी 1-2 विकेट हर मैच में ले रहे थे, तो अच्छे पिक रहेंगे। सफीक को आप ग्रांडली ही ट्राई करिएगा, लास्ट गेम में 4.2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाली। यासिन पटेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले, इस सीरीज से पहले डोमेस्टिक में इनका प्रदर्शन अच्छा था, तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा जीएल में जरूर ट्राई करें। इलियास भी 6-6 ओवर डाल लें, इसलिए आप इनको भी ग्रांडली के अंदर ट्राई कर सकते हैं। बेंच में जो प्लेयर हैं वो लोग शायद ना खेलें, क्योंकि जो लास्ट मैच में इनका प्लेइंग 11 था इसी प्लेइंग 11 से इन्होंने मलेशिया को हराया है, तो हो सकता है टीम यही प्लेइंग 11 और यही बैटिंग ऑर्डर फॉलो करे इस मैच में, क्योंकि हांगकांग को हराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ अलग यदि ट्राई करेंगे तो शायद कुछ कर पाएं। अब दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए टीम देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों जो फाइनल टीम मिलेगा वो आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर ऑलरेडी दोस्तों 21,200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं मीत भावसर के साथ जा रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे घानी ओपन जरूर किए थे, लेकिन जीएल में ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी इन दोनों को उतना कुछ खास मतलब है नहीं, मीत भावसर ही ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। बैटिंग सेक्शन से मैंने 3 प्लेयर लिए हैं, अंशुमन रात मेरे पास है, बाबर हयात, किंचित शाह है। अब किंचित शाह का 9% सिलेक्शन है, लेकिन लास्ट गेम में लगभग 8 ओवर बॉलिंग कर दिए, ये नहीं तो 5-6 ओवर बॉलिंग जरूर डालते हैं और साथ में बैटिंग भी 2 डाउन करते हैं, इसलिए बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं तो मैं किंचित शाह को भी ले रहा हूँ। हालांकि आप ताहिर को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छे हिटर हैं चाहें तो। ऑलराउंडर सेक्शन से मैं 4 लेके जा रहा हूँ, निजाकत खान है मेरे पास, सिराज खान को मैंने लिया हुआ है, लास्ट गेम में क्यों नहीं बॉलिंग की थी उसका भी मैंने कारण बता दिया, क्योंकि मलेशिया की जो टीम थी वो जल्दी से मिट गई थी, इसलिए इनका बॉलिंग का मतलब इनको मौका ही नहीं मिला करने का, लेकिन बैटिंग भी नंबर 6 के आसपास करते हैं, प्लस 5-7 ओवर बॉलिंग जरूर डालेंगे यदि इनकी टीम की पहले बॉलिंग आएगी तो, क्योंकि फिर हांगकांग पूरे ओवर खेलेगा, तो उस कंडीशन में आप एज अ प्लेयर ले सकते हैं, तो मैंने अभी के लिए लिया हुआ है। मेरी टीम में यासिन मुर्तजा है, मैंने यहाँ से मोहम्मद असलम नौफर को लिया हुआ है, यदि यहाँ से इद्रिस खेलते हैं तो मैं सीधे सीधे इद्रिस को ले लूँगा सिराज की जगह, तो एक जगह ए चेंज हम आफ्टर ट्रॉस देखेंगे। बॉलिंग सेक्शन से ईशान खान मेरे पास है, मोनिब है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट पिक। तीसरे मैंने यहाँ से शुक्ला को लिया हुआ है, जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है अब तक, और यासिन पटेल भी ठीक ठाक ऑप्शन है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। इलियास अहमद और यहाँ से सफीक को दोनों को ग्रैंड लीग में रोटेट कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों हम कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की,
तो दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है यहाँ से यासिन मुर्तजा को, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे यहाँ से एहसान खान है। अब दोस्तों दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो स्पेशली यासिन मुर्तजा तो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लास्ट गेम में पूरे 10 ओवर डालते हैं। लेकिन आप तो आमतौर पर जितने भी मैंने इनके स्कोर कार्ड चेक किए ODI के, तो वहाँ पर लगभग 7 से 8 ओवर हर मैच में करते हैं, तो इसलिए मैंने इनको कैप्टन किया हुआ, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। ईशान खान को वाइस कैप्टन करने के रीजन है 10 ओवर ही कन्फर्म डालेंगे और इस टीम को बॉल फंसते होगा तो डेथ में भी डालेंगे, इसलिए मेरे वाइस कैप्टन है। अब दोस्तों यदि आप सेफ जाना चाहें तो आप निजाकत खान हो गए, अंशुमन रात हो गए, सब लोग इन्हीं में करके जाएंगे, तो आप इन दोनों को बना सकते हो। लेकिन ये दोनों से बैटिंग करते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा, ये लोग बॉलिंग नहीं डालते हुए नजर आएंगे। निजाकत खान ने लास्ट गेम में जरूर कुछ और की बॉलिंग की, लेकिन वो कभी कभार ही होता है, हमेशा बॉलिंग नहीं करते, तो इसलिए आप बल्लेबाज को कर रहे हैं तो अपने रिस्क पे करिएगा। बाकी आप इन दोनों को तो बना ही सकते हो जो लोग सेफ खेलना चाहें, मेरे तो CBC मैंने आपको बता दिए। ग्रैंड लीग के अंदर यदि आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहो तो जो हांगकांग के बॉलर्स हैं, जैसे यहाँ से हो गए, यहाँ से आयुष शुक्ला हो गए, फिर जो रोटेशन में आप बॉलर ट्राई कर रहे हो जैसे बाबर हयात हो गए, अच्छे हिटर हैं, और यदि पहले बॉलिंग आ जाती है मान लीजिए कुवैत की, तो मोनी भोबा है जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी अच्छी खासी करती हैं, डेथ में भी डालेंगे, तो इन लोगों को ग्रैंड लीग में CBC करिएगा। असलम नौफर भी ठीक ठाक ग्रैंड लीग कैप्टनसी ऑप्शन आएंगे, तो GL के कुछ CBC के ऑप्शन थे। बाकी स्मॉल लीग टीम जो मैंने आपको दी है यही मेरा अभी स्मॉल लीग का टीम है, और अभी इसी टीम से ही मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं, क्योंकि टॉस के बाद इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, तो जो भी इस टीम में अपडेट होगा, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी दोस्तों अभी 21,200 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल फ्री है तो सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हो, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।